नए साल को लेकर दुर्ग जिला पुलिस अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने व शांतिपूर्ण नववर्ष मनाने देर रात तक यातायात की व्यवस्था तैनात रहेगी। नए वर्ष को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा यातायात पुलिस को हुड़दंगियों वाहन चालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें निरीक्षक स्तर की टीम गठित कर चार अलग अलग जोन क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा नववर्ष को शांतिपूर्ण बनाने के लिए शुक्रवार से लगातार फिक्स पॉइंट, चेकिंग पॉइंट एवं पेट्रोलिंग निर्धारित की गई है। जो वाहन चेकिंग के दौरान अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो या दो पहिया वाहन में तीन सवारी बैठी हो, साथ ही बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर एवं हुड़दंग करते वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन को जब्त करने की बात कही है, जिसे 2 जनवरी 2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्ध एवं ब्लैक फिल्म वाहनों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा कुल 25 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाई जा रही है, जिसमें यातायात के 200 से ज्यादा अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इस संबंध में मीडिया के समक्ष SP ने जानकारी दी। भावना के साथ काम हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए सफल वर्ष कहा जा सकता है। नए वर्ष में हम ट्रैफिक को इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जाने काफी जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं या कंस्ट्रक्टेड रोड्स हैं, वहाँ काफी चौड़े रोड्स हैं। अभी भी लोगों के अंदर यातायात के नियमों को पालन करने के लिए समझदारी की कमी देखी गई है, तो लगातार अवेयरनेस फैलाया जाएगा और फिर एनफोर्समेंट के द्वारा इसमें जो है कमी लाने की कोशिश की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।